मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे स्टोरी। किसकी? एक एंट की और एक एलिफेंट की। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द एंट एंड द प्राउड एलिफेंट। तो लेट्स स्टार्ट। एक घना जंगल था एंड मैनी एनिमल्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। उसी फॉरेस्ट में जंबो नाम का एक एलिफेंट भी रहता था। कौन रहता था? एलिफेंट। क्या नाम था उसका? जंबो। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वह फॉरेस्ट के दूसरे एनिमल्स को हमेशा तंग करता रहता था। वह कभी किसी बर्ड के नेस्ट को तोड़ देता तो कभी पूरा का पूरा ट्री ही उखाड़ देता। कभी एनिमल्स के स्मॉल स्मॉल बेबीज को अपनी ट्रंक से उठाकर राउंड राउंड घुमा देता तो कभी दो मंकीज की टेल को ही आपस में टाई कर देता था। फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स उससे तंग आ चुके थे, पर वह इतना स्ट्रांग था कि कोई भी एनिमल उसे कुछ भी कहने का साहस नहीं कर पाता था। हर रोज उसको कोई ना कोई नई शैतानी सूझती ही रहती थी। वन डे ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द रिवर आफ्टर अ रिफ्रेशिंग बाथ। तभी उसे रिवर के पास एक बड़े से ट्री के नीचे एक एंटिल दिखाई दिया। फिर क्या था, जंबो को तो सूझी मस्ती और उसने अपने ट्रंक में पानी भरकर एंटिल पर बारिश कर दी। फिर क्या होना था, सारा एंटिल पानी के साथ बह गया और जो एंट्स अंदर थीं, वे स्विम करते हुए पानी के साथ बाहर आ गईं और कुछ लिटिल एंट्स तो बहुत डर भी गईं। तब क्वीन एंट ने कहा, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी स्केयर्ड लिटिल एंट्स, ये तो उस बदमाश जंबो की नई बदमाशी है। क्वीन एंट के बोलते बोलते लिटिल एंट भी बोल पड़ी, क्वीन एंट वी शुड टीच हिम अ लेसन, हमें उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए, आज तो उसने हद ही कर दी, उसने हमारा एंटिल ही तोड़ दिया। लिटिल एंट की नाराजगी देखकर क्वीन एंट ने फिर कहा, जंबो ये क्या कर दिया तुमने, यू हैव डिस्टॉर्ड अवर हाउस, अब हम कहाँ रहेंगे, तुमने हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन जंबो तो अपने में ही मस्त, वो बोला, ये फॉरेस्ट मेरा घर है, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। क्वीन एंट ने जंबो को समझाने के लिए कहा, दिस फॉरेस्ट इज आवर होम टू, हमें यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। लिटिल एंट तो थी ही नाराज, उसने फिर अपनी नाराजगी दिखाई, तुम इस तरह किसी का घर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अगर कोई तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय करे तो देन हाउ वुड यू फील। लेकिन जंबो के ऊपर कोई असर नहीं था, उसने फिर अपनी वही बात दोहराई, यू डू नॉट टीच मी, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, तुम जैसी छोटी छोटी एंट्स मेरे सामने हो ही क्या, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जंबो तो अपने घमंड में ही था कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु क्वीन एंट ने सोचा, अभी जंबो से कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं, बट वी विल टीच हिम अ लेसन व्हेन द राइट टाइम कम्स। जंबो को सबक सिखाने का मौका एंट्स को जल्दी ही मिल गया। पता है बच्चों कैसे? एक दिन जंबो बड़े आराम से सो रहा था। जंबो को सोते देख क्वीन एंट ने मन में सोचा, बदमाश जंबो, तुम तो बड़े आराम से सो रहे हो, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ।
आह आह, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या काट रहा है मेरी नोज में? कोई बताओ मुझे, प्लीज हेल्प मी। क्वीन एंट जंबो की नोज के अंदर से ही बोली, अब मजा आया तुम्हें? तुम जितना चाहे चिल्लाओ या हेल्प मांगो, नोबडी कैन हेल्प यू, ओनली आई कैन हेल्प यू। अब जंबो को तो दर्द हो रहा था, वो चिल्लाया, Who are you? Why are you troubling me? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब क्वीन एंट ने उसको जवाब दिया, मैं वही एंट हूँ जिसका हाउस तुमने डिस्ट्रॉय किया था। तुम्हारी वजह से हमें अपना घर फिर से बनाना पड़ रहा है। Now you must have understood कि जब हम दूसरों को टीज करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। अब जंबो को समझ में आया दूसरों को परेशान करने पर कैसा फील होता है। मुझे लेसन मिल गया। आई एम सॉरी, आई वोंट हर्ट एनीवन, प्लीज स्टॉप बाइटिंग मी एंड कम आउट ऑफ माय ट्रंक। जंबो सॉरी फील करने लगा। जंबो, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम प्रॉमिस करोगे कि यू विल नेवर ट्रबल एनीवन अगेन। आई प्रॉमिस, I will be kind to all animals in the forest. I promise. देखा बच्चों तुमने, दूसरों को परेशान करने पर क्या होता है? आज इस स्टोरी द प्राउड एलिफेंट एंड द एंट से हमें यही लेसन मिला। कौन सा लेसन मिला? टेल मी वन बाय वन।